पहले सेब खा के थोड़ा देखते हैं कैसा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? लो तुम भी खा लो थोड़ा। हेलो दोस्तों, स्वागत है नीतीश प्रीति ब्लॉग्स में। दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में सब खुश खुश होंगे। होंगे। दोस्तों अभी सुबह के 7 बज चुके। दोस्तों हमारी ओर से आप सबको ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। और दोस्तों अभी सुबह सुबह का मौसम दिखा था दोस्तों, कितना मस्त मौसम है। और साथ में दोस्तों दतवन भी तोड़ लेंगे। दतवन ख़त्म हो चुका है दोस्तों, लाए थे जंगल से, तो अभी दतवन तोड़ेंगे दोस्तों कैरेंज का, जो कि बहुत ही मस्त रहता है और उससे धोने में दांत भी बहुत अच्छा लगता है और सॉफ्ट रहता है दोस्तों। तो पहले चलिए दोस्तों अभी पहले दतवन तोड़ते हैं और साथ में मौसम भी दिखाते हैं। और दोस्तों आज जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए हम अपना, और क्या चीज़ का एग्ज़ाम देंगे दोस्तों जो कि आप लोग को बताएंगे, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो पहले चलिए दोस्तों आप लोग को दिखाते हैं कि मौसम कैसा है अभी सुबह सुबह का। घर से निकल के दोस्तों बारी आए हुए थे दतवन तोड़ने के लिए, और दतवन तोड़ ली दोस्तों। देखिए कैरेंज का दतवन, ये रहा दोस्तों कैरेंज का पेड़, आप लोग देख ही सकते हैं, छोटा सा अभी है और भी है दोस्तों पीछे साइड, इधर भी है दिख रहा होगा। और दोस्तों कैरेंज के दतवन से मुंह धोने से बहुत ही अच्छा लगता है और धोने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, और इससे दांत भी बहुत क्लीन हो जाता है। और दोस्तों भी आप लोग को मौसम दिखाते हैं कितना खूबसूरत मौसम है। देखिए दोस्तों कितना मस्त मौसम है अभी सुबह सुबह का। और इसी बारे में कल दोस्तों पानी दिए थे जो कि कल आप लोग को दिखाए थे। देखिए भी कल मौसम कितना खूबसूरत है, कितना लाजवाब है, बहुत ही मस्त मौसम है दोस्तों अभी। और दोस्तों मुंह धोते हैं पहले। कल एक बार में पानी दिए थे दोस्तों इसमें, और आज दे नहीं पाएंगे, एक बारी उधर है उसमें देना है। तो अभी जाएंगे दोस्तों, 1:30 बजे से मेरा एग्ज़ाम है, तो 1:30 बजे से एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, तो आज पानी नहीं दे पाएंगे, पानी फिर कल आके देंगे दोस्तों। और अभी मेरी धर्मपत्नी जी भी घर में खाना बना रही है। तो दोस्तों अभी चलते हैं, दो तीन तोड़ लिए हैं। रहा अमरुद का पेड़ मेरा। और दोस्तों घर आ गए और आप जाते दोस्तों खुली कुचाई करेंगे। देखिए इधर दोनों ने मुँह धो लिया, अच्छा से रगड़ के धो लिए दोस्तों। और मेरी धर्मपत्नी जी बाहर ही है। खाना बनाई? खाना बन गया? हाँ बन गया। क्या क्या बनाई खाना में? दाल भात है और आलू का चोखा है। दाल भात दोस्तों और आलू का चोखा स्पेशल बना है। और थोड़ा पानी ला दो ना, थोड़ा मुँह धोएंगे। तो पानी दो। दोस्तों मुंह धो लिए और अब जा रहे दोस्तों खाना खाने के लिए, और खाना अब निकालने के लिए जा रही है मेरी धर्मपत्नी जी। अभी सुबह का खाना अब जाते खाएंगे। और तुम मुंह धो ली? धो बोलिए। लिया तो तुम भी साथ में खा लेना, अभी हम नहीं खाएंगे, बाद में। पूजा करना है तो ठीक है निकालो खाएंगे। दोस्तों खाना लगा दी मेरी धर्मपत्नी जी। और दोस्तों सुबह में आज सुबह सुबह का खाना क्या क्या आज स्पेशल बनाई दोस्तों भी आप लोग को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा दाल,
बरे का दाल है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा मूंग लगता दाल है। बोलते हैं इसको हम इसको। लोग मूंग दाल बोलते हैं या फिर बरे का दाल बोलते हैं। और इधर आलू और सोयाबीन का भुजिया, और इधर चावल, और इधर स्पेशल सेव बनाइए दोस्तों आज सुबह सुबह, एग्जाम देने के लिए जाएंगे ना मुंह मीठा करके ना। इसीलिए बनाए हैं। और देखिए दोस्तों आज इतना मस्त खाना बना हुआ है सुबह सुबह। और दोस्तों हम चले खाने के लिए, पहले सेव खा के थोड़ा देखते हैं कैसा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? लो तुम भी खा लो। हाँ दोस्तों खाते हैं खाना, फिर खा के जाएंगे एग्जाम देने के लिए, तो पहले खा लेते हैं। हाँ दोस्तों खाना खाने के बाद फाइनली तैयार हो गए, और दोस्तों अब जा रहे हैं हम एग्जाम देने के लिए। और एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों जेनरिक पेपर का, जो कि 2018 में फाइनल किए थे ग्रेजुएशन, उसमें से दोस्तों हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। बस अभी अभी जो एजुकेशन का जो नियम है तो उसके तहत दोस्तों अभी एक और एग्जाम ले रहा है, जो जो जेनरिक पेपर ले रहा है दोस्तों, उसमें से मेरा सोशोलॉजी है। तो अभी हम जा रहे हैं सोशोलॉजी एग्जाम देने के लिए, और एग्जाम देने के लिए दोस्तों जाना पड़ रहा है घर से करीब 35 से 40 किलोमीटर दूरी पे दोस्तों। तो अभी मेरी वाइफ, मेरे धर्मपत्नी जी भी घर में रहेगी, और हम जाएंगे दोस्तों एग्जाम देने के लिए। और एग्जाम दे के आते दोस्तों देखते हैं कैसा एग्जाम जाता है, क्या क्या क्वेश्चन आता है, कैसा। तो एग्जाम दे के रिटर्न आएंगे, उसके बाद फिर आप बताएंगे दोस्तों कि एग्जाम कैसे गया। और दोस्तों अब हम चलते हैं एग्जाम देने के लिए, जाते हैं जी। और अच्छा से रहना, अपना ख्याल रखना। ठीक है, ऑल द और बेस्ट। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, और इस चैनल पे जो नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।